खबर सात का बाद से जहां बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान शहर भर में चार शहरियों को नामालूम डाकुओं ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया, जिस पर शहर भर में खौफ और हिरास फैल गया। होम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म भी दिया, मगर पुलिस जराइम को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं सात का बाद से जहां बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान शहर भर में चार शहरी को नामालूम डाकुओं ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया, जिस पर शहर भर में खौफ और हैरान फैल गया। बोंग बंदर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म भी दिया, मगर पुलिस ने जुर्म को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। शहरी ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मलक असद से। जी असद, बताइएगा इन वारदातों के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, सादिकाबाद जो है इस वक्त डाकुओं के निर्गे में है। पिछले 24 से 36 घंटों में जो है सादिकाबाद सर्कल के तीनों तरह में डाकुओं की जानब से अगवा की वारदातें सामने आई हैं, जिसमें तीन वारदातें थाना भूम की दूद में पेश आई हैं। मैं ये भी बताता चलूँ कि एक शहरी नवादाबाद से जिसका नाम रावत राम है और हिंदू मजहब से उसका ताल्लुक था, दो शहरी जो है जमालदीन वाली से जिनका नाम अब्दुल खालिक और इशफाक है, और एक शहरी ताजर टिल्लू रोड सादिकाबाद से जिसका नाम अरशाद है। ये चारों शहरी जो है डाकुओं के हाथों अगवा हुए हैं। शहर में बढ़ती हुई अगवा की वारदात से शहरी काफी खौफ और रास में मुबतला है। सादिकाबाद जो है दरा सिंध का इलाका है जो अरसद रास है जो डाकुओं की लपेट में है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि भूंग मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस इलाके से डाकुओं के खात्मे के लिए ऑपरेशन के आर्डर जारी किए थे। कई रोज गुजरने के बाद भी ताल पुलिस की जानब से अभी तक कोई एक्शन नजर आता दिखाई नहीं दे रहा, और पुलिस जो है इस इलाके में अमन अमान कायम करने में जो है बिल्कुल सिफर हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया मलिक असद, आप में सादिकाबाद से अपडेट कर रहे थे। एक